हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीन क्रिएशंस। आज हम एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो लेके आए हैं जो इस टाइप की राइड ऑन जीप और कार में आती हैं। जनरली हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे कि हमारी ये जो गाड़ी है जिसमें एक प्रॉब्लम है कि हम राइट दबाते तो लेफ़्ट होता है और लेफ़्ट दबाते तो राइट चलती है और फॉरवर्ड की जगह रिवर्स दबती है या रिवर्स की जगह फॉरवर्ड चलती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी का ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा ए टू जेड डिटेल में बताता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक मल्टी फंक्शन रिमोट है, इसी में दूसरे रिमोट भी आते हैं। सब में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम है, हम जैसे ये रिमोट से राइट दबा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे गाड़ी लेफ्ट में टर्न हो रही है, और जैसे मैंने लेफ़्ट दबाया तो गाड़ी राइट में टर्न हो रही है। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम, जैसे मैं इसको फॉरवर्ड दबा रहा हूँ, अब देख सकते हैं गाड़ी पीछे चली गई है, और ये रिवर्स दबाया तो गाड़ी आगे आ रही है। देखिए, रिवर्स दबाने पर तो ये वाली प्रॉब्लम, हम दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। सो आपको अगर जैसे ये तो 4x4 है, DLX 6688, तो इस मॉडल के लिए हमको चाहिए एक कॉमन स्क्रू ड्राइवर और एक चिमटा। ये ऐसा चिमटा या ऐसा कोई भी नुकीली चीज़, चाहे आप नीडल ले सकते हो या सेफ्टी पिन ले सकते हो, उससे भी काम हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको ये इसकी सीट, तो देखिए आपको क्वार्टर टर्न करना है, ये ऐसे तो खुल जाएगी। ये देखिए, ये आराम से खुल जाती है सीट। और बाकी जनरली जो दूसरी गाड़ियाँ होती हैं उनमें स्क्रू ड्राइवर होता है, तो आप ये कॉमन फिलिप्स वाला स्क्रू ड्राइवर से वो स्क्रूज खोल के निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब आप देखिए, हमने ये खोल दिया, ये इसका गाड़ी का मेन सर्किट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है। ये देखिए सर्किट, ये सर्किट कभी कभी ये स्क्रू से यहाँ पे लगा हुआ होता है, हमने इसको पहले ही खोल दिया था। यहाँ से खोल के और निकाल सकते हैं बाहर, ये देखिए। अब इसके अंदर कुछ वायर्स है, ठीक है, मैं आपको हर एक वायर, कौन सा वायर किस चीज़ के लिए है और किस में अपन को सही करना है कि चेंज हो जाएगा, वो करके मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए वायर बहुत उलझे हुए हैं इसमें, चलो ये बाहर आ गया फाइनली। प्रॉब्लम नंबर वन, राइट लेफ्ट जो मोटर है इस गाड़ी की, वो उसका जो वायर है वो ये वाला है। अब देख सकते हैं तीन बड़े वाले सॉकेट के पास एक छोटा दो तार वाला सॉकेट है, ये राइट लेफ्ट की मोटर है। जब हम रिमोट से राइट लेफ्ट करते हैं तो यहाँ से इसको सिग्नल जाता है, आपको इसको निकालना है यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप, ये दबाने का है, इसको ऐसे प्रेस करके, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये ऐसे दबा के और आपको ये ऐसे खींचना है बाहर। ये देखिए, ये चीज़ हमने दबाई है, ये अंदर लॉक है इसका, ऐसे करके हमने बाहर निकाला है। अब जनरली अगर जैसे आप राइट दबा रहे हैं और लेफ़्ट जा रहे हैं, लेफ़्ट दबा रहे हैं तो राइट जा रहा है, मतलब इसके मोटर को रिवर्स उल्टा सिग्नल मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो गाड़ी का जो वायर है ये वाला, इस दो पिन का वायर, इस रेड वाले वायर को इधर लगाना है और इस ग्रे वाले को इधर लगाना है। अब इसमें से ये पिन निकाले कैसे, ये ऐसे तो निकलेगी नहीं। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपके पास कोई कटर या ऐसा चिमटा नहीं है, चिमटा, तो आप इस वायर को यहाँ से दोनों कट करके रेड को ग्रे में और ग्रे को रेड में अच्छे से जॉइंट करके टेप लगा के कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मगर इसमें थोड़ी मेहनत है, मगर बहुत सही रहेगा, ये देखिए ये चिमटे का ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको इसको प्रेस करना है, ऐसे हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। ये देखिए, ये ऐसे, और इस वायर को खींच लेना है, ये बाहर आ गया। देखिए सेम उसी तरह से यहाँ पे ये ऐसे प्रेस किया, देखिए ढंग से प्रेस नहीं हुआ, ये वायर हमने खींच लिया, ठीक है। अब हमको पता है कि हमने जो रेड वाला है वो इस साइड से निकाला है तो हमको इधर डालना है। अब क्या है कि हमने जो इस चिमटे से इसका जो लॉक दबाया है, उस लॉक को वापस हमको ऊपर लेना है। आपको अगर ध्यान से नहीं दिखेगा तो ये देखिए, ये है, ये हमने ऐसा किया, आपको अगर दिख रहा होगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये जो ऊपर जो निकल रही है ना हल्की सी, ये वाली आपको ऊपर निकालनी है, ये वाला लेना है और इसके अंदर ऐसे धीरे धीरे प्रेस करना है, ठीक है। आपको प्रेस तब तक करना है जब तक एक लॉक की आवाज़ आएगी,
ये लॉक हो गया है यहाँ पे देखिए। अब आपको खींच के देखना है बाहर नहीं आ रहा है, मतलब लॉक है। सेम उसी टाइप से आपको इसका भी जो लॉक है, आप चाहें तो नाखून से भी निकाल सकते हैं या फिर आप ऐसा निकाल सकते हैं। ये इसको इधर डाल दिया आपने, ठीक है, इसको पूरा अच्छे से प्रेस किया। ये देखिए आप, ये दोनों लॉक हो गए। जिसको हमने चिमटे से लॉक को दबाया था बाहर निकाल के, हमने ऊपर निकाला और यहाँ पे जाके लॉक हो गया। ये देखिए अब ये बाहर नहीं आएगा। अब इसको वापस अपन को यूं का यूं, ये जो लॉक है ये इस इधर आगे की साइड रहेगा और इसको ऐसे प्रेस कर देना है। ये यहाँ पे लॉक हो गया, तो ये आपकी राइट लेफ़्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मैं राइट दबा रहा हूँ, स्टीयरिंग राइट में मुड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा। लेफ़्ट दबा रहा हूँ, स्टीयरिंग लेफ़्ट में मुड़ रहा है, मतलब ये जो राइट लेफ़्ट की प्रॉब्लम थी, आप देख सकते हैं बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। ये कॉमन एरर है, ये जो लोग इस गाड़ी को असेंबल करते हैं उनसे गलती से हो जाता है। अगर आप हमसे परचेज़ करते हो तो हम ये सारी चीज़ कंप्लीट चेक करके सही करके भेजते हैं। जो लोग अमेज़ॉन से या कहीं से गलती से मतलब जाने अनजाने में कुछ होता है ऐसा, तो किसी का रह जाता है ये राइट लेफ़्ट सही करना। तो हम लोग जो हमारे यहाँ से सेल करते हैं वो कंप्लीट चेक करके फिर भेजते हैं हम आपको। अब हम बताते हैं राइट लेफ़्ट वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। राइट लेफ़्ट वाली तो हो गई, फॉरवर्ड रिवर्स वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो फॉरवर्ड दबा रहे तो रिवर्स जा रही है, रिवर्स दबा रहे तो फॉरवर्ड जा रही है। तो वो उसमें इस सर्किट में जो वायर है, ये देखिए, ये आपने देख लिया कि ये राइट लेफ़्ट का वायर है। उसके जस्ट पास वाला एक वायर है जो मैं बाद में बताऊँगा किसका है, उसके जस्ट पास में, जिसमें दो वायर, दो येलो और दो ग्रीन वायर है, ये इधर से सेकंड और इधर से थर्ड। ये वाला वायर जो है ये आप देख सकते हो मोटर्स में जा रहा है दोनों, तो यही मोटर्स हैं और यही वायर जो आगे भी जा रहा है, क्योंकि ये फोर व्हील ड्राइव है तो चार मोटर है इसमें ऐसा। तो अब इसका जो मेन ये प्लग है आपको ये निकालना है, ये चीज़ यहाँ से दब के निकलती है। ये देखिए आपको ये यहाँ से ऐसे दबा के और फिर खींचना है। इसमें आपको दिख रहा है दो वायर इधर है और दो वायर इधर है, मगर पिन भी टोटल दो ही है, एक पिन में दो वायर है। अब आपको इसको कैसे बाहर निकालना है और इंटरचेंज कैसे करना है। आपको येल्लो वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल में डालना है और ग्रीन वाला जो है वो वर्टिकल में डालना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप चाहें तो बहुत ईजी तरीका ये भी है कि ये दोनों वायर काट के दोनों ग्रीन में जोड़ दें और ये दोनों ग्रीन येल्लो में जोड़ दें, मगर मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि इस पिन को, लॉक को कैसे निकालते हैं। आप देख सकते हैं हर एक पिन के ऊपर यहाँ पे एक स्लॉट दिया हुआ है, ये देखिए ये छोटा सा एक स्लॉट है। इस स्लॉट में आपको ऐसे चिमटा डालना है या फिर कुछ भी तीखी चीज़ जो आपके पास हो उसको ऐसे प्रेस करना है और ये देखिए ये बाहर आ गया। जनरली हमने क्या किया है, ये जो लॉक है, ये लॉक आपको दिख रहा होगा ऊपर है, देखिए ये जो लॉक है ये हमने इसके अंदर से ऐसे इसको प्रेस करके इसको बाहर निकाल के अब वापस से लॉक ऊपर कर दिया, ताकि लॉक लगाते वक्त वापस इसमें लग जाए। देखिए मैं दूसरी पिन निकाल रहा हूँ, ये देखिए ये हमने पिन निकाली, ये हमने इसको खींचा ऐसे। बहुत बहुत ज़्यादा इजी है, आप आराम से कर सकते हैं इसको, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये देखिए, और अगर गाड़ी चालू है तो भी आप चेक कर सकते हैं, वैसे गाड़ी बंद करके करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया, मगर इसमें कोई शॉक लगने का डर नहीं है क्योंकि ये 12 वोल्ट है, डीसी 12 वोल्ट ओनली। अब अपन को जो ग्रीन वाला है वो इस वर्टिकल में डालना है, ये देखिए। तो हमने ये इसका लॉक ऊपर कर लिया दोनों का, नाखून से भी हो जाता है या चिमटे से कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको ये डालना है, अब डालते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो लॉक है ये इस साइड ऊपर रहेगा, इस साइड, ठीक है। धीरे धीरे आपको प्रेस करना है, ये देखिए ये लॉक हो गया, एक आवाज़ आती है छोटी सी, ये देखिए। अब ये इसका लॉक इधर है और ये स्लॉट इधर है, ये इस साइड रहेगा ऐसे, ये लॉक हो गया दोनों, आप देख सकते हो अच्छे से टाइट लॉक हो गया। आपको चेक भी करना है क्योंकि अगर ये लूज़ रहेगा तो कभी भी वायर निकल सकता है, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमने ये यहाँ पर लगा दिया है वापस, जो ड्राइव मोटर है उसका ये सॉकेट था। अब हम फॉरवर्ड दबाएंगे और देखेंगे गाड़ी आगे जा रही है क्या, ये देखिए आगे जा रही है, रिवर्स दबाने पे पीछे जा रही है, मतलब ये वाली प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई, फॉरवर्ड रिवर्स की प्रॉब्लम और राइट लेफ्ट की प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मैं आपको सिर्फ इस सर्किट के बारे में बता देता हूँ कि ये जो बाकी पॉइंट्स हैं किसके हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है या आपको रिपेयर करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
देखिए ये वाला जो वायर है ये इसके स्विंग मोटर का है, जो इसमें एक एक्स्ट्रा स्विंग मोटर है आप देख सकते हैं, ये उसका वायर है। यहाँ से ये वायर जा रहा है स्विंग मोटर में, यह मैंने बता दिया ड्राइव मोटर का है, ये बैटरी का है, ये जो मेन कनेक्शन है इसका प्लस और माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये बैटरी कनेक्शन है, ये इसकी पूरी गाड़ी की वायरिंग के कनेक्शन है जिसमें फॉरवर्ड रिवर्स प्लस माइनस सारा है, और ये जो मल्टी फंक्शन रिमोट होता है जिसमें हॉर्न म्यूज़िक और लाइट्स, उसके लिए ये तीनों वायर हैं अलग से। इसका अगर पूरा डिटेल चाहिए तो हम एक पूरा डिटेल वीडियो बना के आपको बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या फंक्शन करती है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमसे ये वाली गाड़ी परचेस करना चाहते हैं 4x4 DLX 6688 मर्सिडीज़ वाला मॉडल 6 मोटर विद ब्लूटूथ, तो हमारे पास एक अच्छा ऑफ़र है, बहुत ही अच्छा ऑफ़र, 16,000 रुपये में विद शिपिंग देंगे हम आपको ये गाड़ी, और 6 मंथ बैटरी पे वारंटी भी देंगे, और उसके अलावा भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ऑन वीडियो कॉल हम रिपेयर भी करवाएंगे। ये देखिए हमने जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी, फॉरवर्ड दबाने पे अब फॉरवर्ड जा रही है, रिवर्स दबाने पे रिवर्स, राइट पे राइट और लेफ्ट पे लेफ्ट। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम है या इसका कोई भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो सारे अवेलेबल है, रिमोट सर्किट, म्यूजिक सर्किट, स्टेयरिंग, सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट।